जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पाटिल, फाउंडर ऑफ योग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ नी के ऊपर अपने वेट का क्या इम्पैक्ट होता है वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस अनोखी कंसेप्ट को हम समझते हैं एक लाइव एग्जांपल के द्वारा। अस्यूम करते हैं कि आपका एज 30 इयर्स है एंड यू आर 6 फीट टॉल, 180 सेंटीमीटर्स। हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बट इट इज़ देर इज़ अ रफ वे टू सिंपली कैलकुलेट कि आपका हाइट अगर कितना है। ये कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं मुझे कि सर आइडियल मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो वेरी सिंपली इट इज रिटन इन आवर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के टेक्स्ट बुक्स। ये रूल ये कहता है कि अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर्स है तो आपका आइडियल वेट क्या होगा। सिंपली आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स जितनी भी है उससे आपको सिर्फ 100 को माइनस करना है। एग्जाम्पल, आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर्स है, 100 को माइनस कीजिए, आपका आइडियल बॉडी वेट है 80 केजीज। अगर आप 5 फीट टॉल है विच इज़ अराउंड 150 सेंटीमीटर्स, तो आपका आइडियल बॉडी वेट है 150 माइनस 100 विच इज 50 केजीज। सो इस आइडियल एग्जांपल की हम बात कर रहे थे। तो ये 30 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, 180 सेंटीमीटर, 6 फीट टॉल है, उनका आइडियल एक्सपेक्टेड वेट है 80 केजीज। सपोज वी अज्यूम दैट पर्सन इज अ लिटिल बिट ओवरवेट और उसका वेट अगर आज की परिस्थिति में 100 है, तो व्हाट डज इट मीन कि वो 100 माइनस 80 विच इज 20 केजी ओवरवेट। कहने के लिए तो 20 एक छोटा सा नंबर है कि ये बस 20 किलो ही तो एक्स्ट्रा है, बट अगर आप उस डायनामिक्स के बारे में समझेंगे, मैकेनिक्स के बारे में, कि हर कदम पे जब हम घुटने के ऊपर चलते हैं, उठते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, दौड़ते हैं, कभी एक छोटी सी दौड़ लगाते हैं या कभी नीचे वाली पोजिशन से कोई चीज़ उठाते हैं, तो उस टाइम पे कितना इम्पैक्ट हमारे घुटने पे आता है। स्टडीज एंड रिसर्च जो इंटरनेशनल लेवल पे की गई है इन द वेरियस जर्नल्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड शोन ओवर हियर, उसमें एक एवरेज जो एग्जैक्ट नंबर आया है विच मोस्ट ऑफ द स्टडीज एग्रीज विद इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेट ऑन द नी फॉर एवरी 1 kg। हर बॉडी पे 1 kg बढ़ने से घुटने के ऊपर 4 गुना 4 times द बॉडी वेट बढ़ता है। इस करंट एग्जाम्पल पे आते हैं तो ये 20 kg ये बंदा ओवरवेट है, तो 20 × 4 विच मेक्स इट अराउंड 80 kg ऑफ फोर्स ऑन 1 knee। तो इमेजिन कीजिए, 6 feet का बंदा 80 किलो वेट होना चाहिए, बस केवल 100 केजी का है, तो उसके हर कदम पे, हर टाइम पे, जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है, उतर रहा है, नीचे कहीं भाग रहा है या चल भी रहा है सिंपली फॉर एग्जांपल, तो फिर भी अराउंड 80 केजीज ऑन राइट एंड 80 केजीज ऑन लेफ्ट। उसका खुद का वेट जो घुटना भगवान ने उसके लिए बनाया है वो 80 केजी संभालने के लिए है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जस्ट बाय अ मियर 20 केजी ऑफ ओवर वेट अराउंड 80 केजीज ओवर वेट दोनों नी पे ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब जितना उसका वजन है ऑलमोस्ट दुगना, 2 times द बॉडी वेट उस नी के ऊपर हर कदम के साथ में इम्पैक्ट हो रहा है। इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हुए चलते हैं, अगर हम हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को गाड़ी के टायर का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर समझो वो नॉर्मल टायर अपने 2 अलग अलग लिए हैं और एक टायर है जो 1,00,000 किलोमीटर्स एवरेज तौर पर चलना है, अगर उसके रिपीटेड डैमेजेस हो रहे हैं, कुछ उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है, 2 आप आगे लगाइए, 2 पीछे की तरफ लगा दीजिए, आगे के जो नॉर्मल है और पीछे की साइड में समझो वेट एक्स्ट्रा डाला है, तो अगर आप देखेंगे ना कि अगर दोनों में एक एग्जांपल है कि 100 केजीज का वेट का डिफरेंस है, तो दोनों टायर्स के वेयर आउट में भी डिफरेंस होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर वो समझो डबल यूज हुए या डबल लोड उनके ऊपर आए हैं, तो उनकी लाइफ एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। अगर वो 1,00,000 किलोमीटर चलने वाले तो शायद 50,000 किलोमीटर में वो घिस जाएंगे। एग्जैक्टली सेम फंडा हम इस नी जॉइंट में अगर लगाए, तो अगर ये 30 साल का जो बंदा है जो कि 180 सेंटीमीटर्स है एंड 80 केजी वेट है, बट सिंपली 20 केजी ओवर वेट है, तो जस्ट बाय बीइंग दैट फैक्ट वो अपने घुटने पे ऑलमोस्ट डबल वेट डाल रहा है। एक एवरेज इंडियन का हम लाइफ अगर हम कंसिडर करते हैं कि 60 इयर्स तक उसे कोई भी नी की समस्या ना हो, ये एज्यूम अगर करते हैं जो कि एवरेज स्टैंडर्ड्स है, सो फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, आने वाले 30 साल में जो घुटना उसका जो चलने वाला है, वो जस्ट बिकॉज ऑलमोस्ट सेम वेट उसके ऊपर आ रहा है, तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, इट विल नॉट लास्ट for more than 15 years. So this is the gravid impact that weight is having on your knees. तो समझ लीजिए आप 1 kg भी एक्स्ट्रा है तो 4 kg एक्स्ट्रा पड़ रहा है। In this example, like I said, अगर ये बंदा है जो कि 60 साल उसके नी without symptom, without any problem चलने वाले होते, तो ये बंदा अगर simply 20 kg overweight होने के लिए, अगर हाँ हमने इसमें ये भी assume किया है कि अगर ये 20 kg overweight
थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 45 इयर्स जो आने वाली लाइफ है उसमें रहते तो ये कैलकुलेशन उसके ऊपर जाहिर होते हैं। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने इसका उदाहरण दिया है, बट दिस इज व्हाट द रिसर्च सेज एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मीन टू अस। सो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 30 इयर्स का बंदा है, आने वाले लाइफ जो आने वाले एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन एंड एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ द नी, अगर इसको एक एवरेज हम तौर पर अप्रॉक्सीमेट कंसिडर करें, इज गोइंग टू बी 60 इयर्स। तो मैं इस पॉइंट पे दोबारा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यदि आप आपका आइडियल वेट 30 इयर्स ऑफ लाइफ से लेके 60 इयर्स ऑफ लाइफ तक मेंटेन करते हैं तो आपको कोई भी तरीके का कोई इशू आने की संभावना नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको इंजुरीज या एक्सीडेंट्स होते हैं दैट इज अनदर स्टोरी, बट इफ यू लीड अ हैप्पी एंड नॉर्मल लाइफ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा हो या कोई एक्सीडेंट हो या आपकी कोई इंजुरी हो, बट अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ आपकी नहीं, आप जी सकते हैं, इज गोइंग टू बी अराउंड 60 इयर्स। बट ऐसा अगर यदि नहीं होता है और आप जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि आप सिंपली 20 केजीज भी अगर ओवरवेट हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि 6 फिट के आदमी आराम से 100 क्रोर्स के भी ऊपर होते हैं, तो जितना ज़्यादा वेट आपका होगा उतना ही आपके घुटने का लाइफ कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उसके मल्टीप्लाई फोर्सेस के अंदर कंपाउंडिंग जैसे होता है फाइनेंसिस में, एग्जैक्टली वैसा ही कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी नी के डैमेज में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नी रिप्लेसमेंट लगेगी या आपको नी की सर्जरी करनी पड़ेगी या आपको मुझे देखना होगा, इनफैक्ट मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका वेट कंसिस्टेंटली 30 इयर्स की एज से 45 इयर्स की एज तक 80 से होने की जगह पे अगर 100 होता है तो आपका जो प्रॉब्लम होगा नी में आने वाली प्रॉब्लम वो शुरू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सर्जरी लगे या कुछ हो, बट डेफिनेटली जो चेंजेस आपको शायद 60 इयर्स के एज में आने वाले थे वो चेंजेस आपको 45 इयर्स के एज में आना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए मैं एज ए ऑर्थोपेडिक एंड एज ए नी स्पेशलिस्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका वेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक टाइम लिमिटेड है और इसलिए हम उसको समझ समझ के खर्च करते हैं। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ लिमिटेड है कि टाइम, उसको हम सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। एग्जैक्टली वैसा ही हमें अपने वेट के बारे में बहुत कंजूस होना चाहिए। कंजूस कहाँ? ऑपोजिट साइड पर, बढ़ने वाली साइड, उसको बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना। 500 ग्राम 1 किलो से भी अलर्ट हो रहा है ना तो आप डेली बेसिस पे उसको अलर्ट हो जाएगा। एक सिंपल सी वेट मशीन आपके बाथरूम के पास ले लीजिए या एक सिंपल फैक्ट जो होगा ना आपको कि रोज अपना वेट मेजर करना, सुबह उठो तो अपना वेट मेजर करो। मैं खुद ये चीज़ करता हूँ और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं कभी कहीं पार्टी में या फिर कहीं शादी में कहीं लंच कहीं डिनर पे अगर मैंने अपना क्रेविंग कंट्रोल नहीं किया ना तो सेकेंड डे पे मुझे बहुत ही ये रहता है कि अब मेरा कितना वेट गेन हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, आई डोंट वॉन्ट टू से हाउ मच इट गेन। आप एक शादी में जाइए और एक पेट भर के खाइए और दूसरे दिन सुबह उठ के है ना कुछ भी करने से पहले अपना वेट कीजिए, आप सी आप जस्ट देखिए कि इसका कितना इम्पैक्ट होता है। सो डेली फ्लक्चुएशन इन वेट, हालांकि ये वेरियस फैक्टर्स की वजह से होते हैं, बट सिंपली अगर ईटिंग को अगर हम वेट के इक्वेट करें तो उसको क्या इम्पैक्ट होता है ये आपको खुद ही पता चलेगा। सो प्लीज़ डू दिस वन थिंग टूडे, ट्राई इट आउट, आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि कैसे इम्पैक्ट। और जस्ट हैविंग दैट वेट मशीन, उस डर से ऑटोमेटिकली अपना ब्रेन ऐसी चीज़ें करने लगता है ना कि अरे नहीं यार, एक दिन वेट किया 80, दूसरे दिन किया 81, तीसरे दिन किया 82, चौथे दिन बेटा जब आप वो पानी पूरी या फिर वो जो एक्स्ट्रा चाय पीने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं आ नहीं देते। और ये ना ये पावर है ह्यूमन ब्रेन का, बट उसके लिए ना उसको एक छोटी सी एक्शन लेनी पड़ती है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोली कि एक साधारण वेट वेइंग मशीन आपके बेडरूम में रखनी चाहिए। वो एक छोटी सी चीज़ आप इन्वेस्ट कर दो खाली, वो रहेगा ना तो आप 100% उसके ऊपर खड़े रह ही जाओगे। मैं आपको दोबारा इस चीज़ को बार बार स्ट्रेस करके इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे या मेरे जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप देखें अपने नी की समस्या की वजह से। मेरा होल एंड सोल इंटेंशन यह है कि आपको आज से क्या एक्शन लेनी है वो उसके ऊपर आप ध्यान दें, ताकि आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या नी स्पेशलिस्ट को नहीं देखना पड़े। सो स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर वेट टुडे, आज से ही अपना वेट कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ इनफ। जब मैं इतने सारे आर्थराइटिक नीज को ठीक करता हूँ, उनकी सर्जरीज करता हूँ, तब मुझे हमेशा ये फैक्ट लगता है कि काश उनको भी लगता है, एक्चुअली ये पेशेंट को ज़्यादा लगता है कि काश मैंने अपना वेट पहले से कंट्रोल किया होता, कि काश मैं वो जो एक्स्ट्रा समोसा है, वो जो एक्स्ट्रा पानी पूरी है और वो जो एक्स्ट्रा मुझे वो डेजर्ट खाने की जो इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा जो मुझे भी होती है, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे भी होती है, बट उसको मैं जितना हो सके अगर कंट्रोल करूँ तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में फायदा है। और क्योंकि मैं नी और वेट का इम्पैक्ट देखता हूँ
कि पेशेंट्स के ऊपर उनकी लाइफ के ऊपर कितना खराब होता है और कैसे उनको आगे जाके कई सारे चेंजेस और कई बार तो सर्जरी में एंड अप होना पड़ता है। अगर आपको नी, बोन एंड जॉइंट, ऑर्थोपेडिक, वेट, डाइटिशियन, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप योग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं। मी एंड माई टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम्स और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज हमने जो डिस्कशन किया है इसके बारे में आपको अगर कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी एक समस्या है तो बेझिझक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दी गई लिंक है उसके ऊपर जाइए और एक आपका क्वेरी जो है सिंपली रेज कीजिए। मी एंड माई टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ वी कैन। स्टार्ट बिफोर इट्स टू लेट सो दैट यू डोंट हैव टू सी अ डॉक्टर। तो ठीक है दोस्तों, नी हेल्दी नी हैप्पी।